श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में 9 दिन तक निर्वहन की जाने वाली परंपराओं का बड़ा महत्व बताया गया है। इन 9 दिनों में कई मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। उनका आज भी हम पालन कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि देवी की पूजा पूरी श्रद्धा भक्ति से हो ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। आइए हम आपको बताएंगे कि माता के 9 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज्वारे रखने चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। तीसरा, देवी को जल अर्पित करना चाहिए। नंगे पैर रहना चाहिए। 9 दिनों तक व्रत रखना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। 9 दिनों तक देवी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। अष्टमी नवमी पर विशेष पूजा करनी चाहिए। कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और माता की अखंड ज्योति जलानी चाहिए। अभी जो नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको दाढ़ी, नाखून और बाल काटना, ये सब नहीं करना है 9 दिन तक। छींक, छोंक या बघार जो लगाते हैं हम लोग अपने घर में, वो नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाना चाहिए। मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संभोग से दूर रहना चाहिए 9 दिनों में। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।